الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله وصحبه أنصار الله. أما بعد، قد قال الحكيم في كتاب المتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم. आगाज़ सुखन में पीटीए की लीडरशिप और दीगर शख्सियत जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उजार ग्रामी कदर जो यहाँ मौजूद हैं, आप सब की खिदमत में इस बबरकत इज्तिमा जिसे मुनाकिद किया गया है और एक अजीम वाक़े की और एक अजीम कारनामे की याद दिलाता है आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। देखें, दुनिया में इत्तफाकी हादसात वजूद में नहीं आते, इत्तफाकन ऐसे हो गया। हमेशा जो भी वाकया रुनुमा होता है उसके असबाब होते हैं, उसकी वजूहात होती है। मुमकिन है हमें आज वो चीज नजर आए लेकिन उसके पीछे बड़ी तुलानी एक सिलसिला होता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, मौला अली ने सलाम का कौल है कि मन अरफ जमान अमीना, जिसने अपने जमाने को पहचाना वो सिक्योर हो गया, वो महफूज हो गया। जिस दौर में हम रह रहे हैं इसकी शिनाख्त बहुत जरूरी है। इस वक्त पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये खुद दुनिया के बड़े बड़े मुफक्कर लिख रहे हैं, खुद हेनरी किसिंजर ने लिखा, ब्रजिस्की ने लिखा, फ्री जकरिया ने, यूरोप के बड़े बड़े राइटर और मुफक्करी ने वो इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तारीख में ये सर्कल चलता रहा है हमेशा। अब इस शिफ्ट ऑफ पावर को कैसे काउंटर किया जाए, कैसे स्लो किया जाए, रोका जाए? पावर किसके हाथ से शिफ्ट हो रही है इसकी तरफ? अमेरिका और यूरोप के हाथ से, उनके एलाइज के हाथ से। कैसे काउंटर किया जाए, कैसे रोका जाए इसको? इसके लिए उन्होंने डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं। उनमें से एक जो चीज है वो है ईस्ट को डिस्टर्ब किया जाए अंदरूनी तौर पर, डिस्प्यूट खड़े किए जाए इनके आपस में, ईस्टर्न कंट्री के दरमियान इख्तलाफात हो, मुश्किल खड़ी करें इनके दरमियान, ताकि ईस्ट का हाउस और एशिया का हाउस इन आर्डर ना हो और ये पावर का जो शिफ्ट है इसको स्लो किया जा सके, रोका जा सके। ईस्ट के जो हसास एरियाज हैं, वेस्टर्न एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ चाइना सी है, ये हार्ड पॉइंट है ईस्ट के, इन्हें डिस्टर्ब किया जाए। पाकिस्तान उनमें से इंदाई अहमियत का हामिल है। साउथ एशिया का दिल है पाकिस्तान और शिफ्ट ऑफ पावर के लिए गेट वे है पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट ईस्ट के लिए। पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, कमजोर रखा जाए, इसे अपने हाथ में रखा जाए। ईस्ट बहुत अहमियत का हामिल है। एशिया आप देख लें, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, रिसोर्सेज के अतबार से बहुत बड़ा है, अब मंडी बहुत बड़ी है, स्किल्ड मैन पावर बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर लेबर सस्ती है, तरक्की याफ्ता ममालिक मौजूद हैं, तहजीबी हवालों से भी बहुत रिच है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो अलियान हैं उनकी प्लेस ऑफ बर्थ ईस्ट है, एशिया है, और उसमें पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। लिहाजा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है। एक लेयर जो उन्होंने बनाई वो इस्लामोफोबिया है। यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद उन्होंने अपना दुश्मन ओपनली इस्लाम को बना दिया और इस्लाम से लोगों को हरास करना, डराना, इस्लाम से खौफ दिलाना, जिसके नतीजे में
बुनियादी इंसानी हकूक मुसलमानों के पामाल होने लगे, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी और मुश्किल जो वो बयान हो चुके हैं। यहां पर खान साहब का नक्श रोल क्या था, जो आलमी कुवतों ने अपनी हिजमनी को बाकी रखने के लिए जो मंसूबे बनाए हुए थे, खान साहब ने उनके मुकाबले में खड़े होने का ऐलान किया। यह बहुत अहम नुक्ता है कि एक शख्स साउथ एशिया के अंदर बैठा, दिल है जो ईस्ट का, एशिया का, वहां पर बैठा हुआ है और वो उनकी सोच के खिलाफ स्टैंड ले रहा है। इस्लामोफोबिया में एक बहुत बड़ा हरबा था जिसके नतीजे में अपनी सोसाइटी को अपने साथ अमान रखते थे, जो उनके राय आम को अपने साथ रखते थे और फिर मुसलमानों को वो नुकसान पहुंचाते थे। एक किताब है ए पीस टू एंड आर पीस, डेविड फ्रामेगन की किताब है, वो पढ़ने वाली किताब है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में है। और अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको आज सारे के सारे हालात लगेंगे उसी तरह से हो रहा है। मुसलमानों के अंदर उन्होंने तकफीरियत को रवाज दिया, दहशतगर्दी को रवाज दिया, दहशतगर्द ग्रुप बनाए, खुद बनाए। अमेरिका की जो वज़ीर ख़ारिजा साहब थी हिलरी क्लिंटन, उसने खुद कहा फलां दहशतगर्द ग्रुप हमने बनाया ताकि मुसलमानों का इमेज खराब किया जाए, इस्लाम का इमेज खराब किया जाए। खान साहब ने इस्लामोफोबिया के हवाले से रेडिनेशन में स्टैंड लिया और उनकी कई साल की जो कोशिशें थी उनको नाकाम बना दिया और एंटी इस्लाम फोबिया डे मनाया गया 15 करार दिया गया 15 मार्च को। ये गोया उनकी जो यलगार थी उसका रास्ता रोक दिया गया, उसके आगे बड़ा बंद बांधा गया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिका फज़लुल्लाह होती है मंजशा, ये काम जो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को सौंपा अदा किया। इसी तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत अहम है, नए उफक तलाश करना, जमूत का शिकार जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसको, उस जमूत को तोड़ना और नया फाल तलाश करना और पाकिस्तान एक सावरन कंट्री, आजाद मुल्क, मुस्तकिल मुल्क बनाना, जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तदिर गुलाम तबका है उसे कबूल नहीं था। यह इंतहाई खान साहब की एक मजलूमियत यह है कि उस बुलंद कद्दोकामत के मालिक शख्सियत का मुकाबला इंतहाई बौने छोटे घटिया हकीर और पस्त लोगों से है जिनके अंदर किसी शरफ की निशानी नहीं मिलती जरा बराबर भी, बहुत छोटे, जो घरों में घुसते हैं, जो औरतों को मारते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं, जो किसी इंसानी वैल्यू के कायल नहीं है। ये ना इस्लाम इजाजत देता है इस काम की, ना मिस्र की तहजीब इजाजत देती है, ना इंसानी कदर वैल्यू इजाजत देती है इन चीजों की जो ये कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ। आप देख लें कितना डर है उन्हें, कितना खौफ है उन्हें खान साहब के साथ, उन्हें गोलियां मारी इन्होंने, डर जाएगा, वो नहीं डरा, उन पर मुकदमे बन, गैर कानूनी असल गलत किस्म के मुकदमे बनाए जिनकी कोई बेस ही नहीं है, ये खूबसूरत हो जाएगा, वो नहीं डरा, उसे जेल में डाला गया, वो नहीं डरा, उसे सजाएं दी गई, वो नहीं डरा, उससे पार्टी की लीडरशिप छीनने की कोशिश की, वो नहीं डरा, इलेक्शन के अंदर बल्ले को छीना, वो नहीं घबराया। पाकिस्तान के अवाम को भी सलाम कि उन्होंने हर हरबा जो इन नलायकों को उसे नाकाम बनाया। और 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब था जुल्म और फसाद के खिलाफ और इन गुलामों के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ। 9 फरवरी को जो कुछ हुआ ये 1970 के बाद सबसे बड़ा सानिया है। 1970 के अंदर इलेक्शन हुआ, अवाम की राय को नहीं माना गया तो पाकिस्तान टूट गया। सबसे बड़ा सानिया 9 फरवरी को हुआ है कि अवाम की राय को बुलडोज किया गया, अवाम की राय को नहीं माना गया और आज तक उसे बदलने पे लगे हुए हैं ये छोटे लोग और अकीब लोग। इनका मुकाबला करना आईनी तौर पर भी लाजिम है, पाकिस्तान का कानून भी कहता है, हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है और इंसानी शरफ और वकार भी कहता है कि इन वतन को इन बौने लोगों से निजात दिलाई जाए, छोटे लोगों से निजात दिलाई जाए। पाकिस्तान के अवाम डिजर्व करते हैं कि यहां अदल और इंसाफ की हुकूमत हो। अल्लाह ने तमाम अंबिया को भेजा,
किस लिए? कुरान कह रहा है कि लकद अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात, हमने तमाम अंबिया को भेजा वाज़े निशानियां और दलाइल देकर, मौजज़े देकर भेजा उन्हें। वह अनजलना मामूल किताब अवल मीज़ान, उनके साथ किताब नाजल की, मंशूर हयात और जिंदगी नाजल किया, मीज़ान ने आपको बातिल दिया। क्यों? ले यकूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल के लिए उठे। लीडरशिप काफी नहीं है, मंशूर काफी नहीं है, अवाम का अदल के लिए उठना भी जरूरी है। अगर अवाम साथ ना दे तो तख्त पर फिर और बैठता है और मूसा को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ती है। अगर अवाम साथ ना दे तख्त पर नमरूद बैठता है और इब्राहिम को आग में फेंका जाता है। अगर अवाम साथ ना दे तख्त पर यजीद बैठता है और इमाम हुसैन का सर नुके नेजा पे बुलंद होता है। अवाम की ड्यूटी बहुत जबरदस्त है, जरूरी है, अहमियत की हामिल है। और फिर जो खान साहब के साथी हैं, मुखालफीन की स्ट्रेटजी को दिक्कत से पढ़ा जाए, वो क्या करना चाहते हैं, उनका काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हर रोज डिस्कस होना चाहिए। और ये जो इंतहाई महदूद निगाह रखते हैं, लालची हैं, जो लालच के कैदी हैं, गुरूर तकब्बुर के कैदी हैं, इन्हें शिकस्त देना आसान है, मुश्किल नहीं है। जो छोटे और हकीम लोग हैं, अकल के अंधे हैं, ये नाक तक देखने वाले हैं, ये दूर तक नहीं देख सकते। लिहाजा जरूरी है कि बैठा जाए, प्लानिंग की जाए और इनके मनसूबों को नाकाम बनाया जाए। खान साहब ये जालिम जान लें कि इंशाल्लाह तुम इस काबिल नहीं हो कि खान साहब को जिंदा में रख सको। एक दिन जरूर आने वाला है और जल्द आएगा कि पाकिस्तान के अवाम उठेंगे, जेल के दरवाजे तोड़ेंगे और खान साहब को मार लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।